SOL and UNICEF who chose me for this project coping with corona. It's really great experience for me. और एक शुक्रिया है शकील भाई और ताहिर अब्बास जो मेरा कज़न है ताहिर भाई के लिए जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा, उनका शुक्रिया। ये दरअसल एक प्रोजेक्ट था और मेरा पहला प्रोजेक्ट था SOL और यूनिसेफ के साथ और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा है। लोग कोपिंग विद कोरोना की मीटिंग अरेंज की है और ये हमारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन मोहम्मद काजी मदी गफीर अब्बास सैयद खाव है नादियाल है। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सब इधर इकट्ठे हुए सिर्फ जो है ना कोपिंग विद कोरोना की एक मीटिंग हमने अरेंज की है। तो इस मीटिंग का मकसद ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि भाई एक तो जो पिछले ये 6-7 महीने बल्कि कहने पूरा साल हो गया तकरीबन, तो ये कोरोना में जो गुजरे है उस पर ब्रीफिंग करने के लिए क्या क्या हालात गुजरे वो देखने थे। दूसरा फिर मेन चीज ये थी कि भाई अगर आने वाले हालात में, क्योंकि ये मुसीबत ये मुश्किलात आती रहती हैं जिंदगी में, तो आगे अगर कोई भी इस किस्म की मुश्किल आती है तो उसमें हमने कैसे जो है ना निपटना है। कि भाई हमने जो है ना मिसाल के तौर पे कोई भी कोरोना का पेशेंट है उससे डील कैसे करना है, आप लोगों के भी माइंड में कोई भी एक तो कल सवाल हो मेरे से डिस्कस कर लीजिए 6-7 महीनों में क्या जो है ना डील यानी कि मुझ पे असर पड़े हैं। जिनमें से एक यह है कि लोगों के जो है ना रोजगार मुतासर हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ कि जब यानी कि लोग 24 घंटे रोजगार करते थे यानी कि 24 घंटे में से मतलब कि आप निकालो 6 घंटे 7 घंटे नींद के उसके अलावा रोजगार करते थे, वो उन्होंने लगा दी पाबंदी, तो 10 से शाम 5 बजे तक लॉकडाउन हो गया। तो आवाम जहां रोजगार 10 से यानी कि 8 से सुबह 8 से या सुबह 7 से रात 11 बजे तक करती थी वो हो गया 10 से 5 तक। लेकिन इसमें इसमें एक और चीज है कि भाई हम लोगों ने उस लॉकडाउन को भी सीरियस नहीं लिया। उस लॉकडाउन को भी अगर हम लोग लॉकडाउन करके निभा लेते थे तो चांसेस थे कि भाई केसेस कम होते। इसमें नुकसान बहुत हुआ, माशी तौर पर भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, स्टूडेंट का देखा जाए तो तालीमी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और महंगाई का हर चीज का इसके अंदर पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान वैसे तो दुनिया पे इसका बहुत गहरा असर हुआ, लेकिन हम पाकिस्तानी साइड के तो पाकिस्तान पे ने इसका बहुत गहरा असर हुआ। तालीमी साल है तो तालीमी साल बिल्कुल तब्दील हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए थे स्टूडेंट, तो ऑनलाइन सिस्टम में और फिजिकल ऑन कैंपस स्टडी में दिन रात का फर्क है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये वायरस खत्म हो जाए। इसने जैसे मैं बोला कि ये फेक है लेकिन इसको ये मानना चाहिए क्योंकि यूएस इवन के अदर कंट्रीज में भी ये काफ़ी फैला है, सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं फैला जो पाकिस्तान इससे पैसे ले सकता है, काफ़ी कंट्रीज में भी फैला था जैसे यूएस से, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, जहाँ तक नुकसान हुआ उससे मेरे ख्याल ज़्यादा हमें सीखने को मिला है। जिस तरह उसमें काफ़ी लोगों की डाइट अच्छी है, उनका वर्क हार्ड वर्क होता है, तो इसी तरह उधर ये ज़्यादा असर नहीं किया उनका अंदर मेन सिस्टम अच्छा। सबसे मेन बात ये उठी कि भाई इम्यून सिस्टम उनका जो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी मुश्किलात ये कोरोना अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ये कुछ भी नहीं कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो तालीम को नुकसान हुआ है रिसेंटली, ठीक है बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की सेफ्टी, लेकिन उसका ये हल नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्राइवेट अकेडमी में पढ़ता हूँ, मुझे सिर्फ उन्हीं ने ऑनलाइन लेक्चर्स दिए हैं और स्कूल से मेरे लिए कोई पढ़ाई का इंतजाम नहीं था, 6 महीने का लॉकडाउन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एकेडमी ना जाता मेरा क्या बनता, लॉकडाउन था मैं घर होता, ठीक है, और जो मेरे जहन का होना था एक बच्चे का माइंड है, ठीक है अभी यंग है और हमारा जहन को जंग लग जाता। ये तो शुक्र है एकेडमी वालों ने ऑनलाइन लेक्चर्स में हमें बेहतरी लानी चाहिए, क्या बेहतरी लाएंगे, ये ना हो कि 45-50 मिनट का रिकॉर्डेड लेक्चर है या लाइव लेक्चर है बच्चा नहीं सुन सकता। ये और चीज़ें भी देखनी चाहिए, पाकिस्तान के फ्यूचर को देखना चाहिए, हम ही हैं फ्यूचर पाकिस्तान का, ये यंग नेशन ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन ये हल नहीं है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दो और बच्चे जी 6 महीने से घर बैठे हैं, अब जो अकेडमी नहीं जाता होगा उस बच्चे का क्या हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच दानियाल, आपका पॉइंट बिल्कुल अच्छा था। तो इसमें सिर्फ इसका हल हकूमत ही कर सकती है, हकूमत को सोचना चाहिए कि भाई ऐसे हालात में वो सिर्फ ये ना देखें कि तालीम को जो है ना कैसे आगे, वो एक स्टूडेंट को भी साथ लेके चलें कि भाई स्टूडेंट कितनी देर का लेक्चर इजीली ले सकते हैं। मैं
मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि हमें इसको सीरियस लेना चाहिए और एहतियात करना चाहिए, खुद को भी महफूज करना चाहिए और अपने प्यारों को भी महफूज करना चाहिए। हमें सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए और फेस मास्क लाजमी यूज़ करना चाहिए, और जितना हो सके कि खुद से दूसरों को जाना बचाएँ, कि हमें डिस्टेंस बरकरार रखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसे भाई साहब आप सब ने बताया और सफीर ने भी बताया है कि जैसे सफीर भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि हम लोगों में जो मेन बात है वो अवेयरनेस नहीं है, कि एक बात है वो अवेयरनेस नहीं है, कि एक बात है वो अवेयरनेस नहीं है कि ये क्यों। After one week of project, SOL sent me a smile. Smile in the form of this certificate. Thank you so much, SOL and UNICEF, for this certificate.